मुझे बहुत अच्छा लगा, आज ही बॉम्बे पहुँचा हूँ मतलब, और इससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। आप सब लोग आए, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। आई फील लाइक मेरी पूरी फैमिली आ गई यहाँ पे, एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। कार भी नहीं ली है और आपने कहा कि आपने खुद को गिफ्ट कर ली, ये क्या तरीका है गिफ्ट देने का लेने का? ये सर 2020 ने मुझे सिखाया कि जो जो इच्छा है ना उन्हें पूरा करना शुरू कर दो, जितनी भी आपकी इच्छाएं होती हैं उसके लिए वेट मत करो। तो मैंने सोचा है इस बर्थडे अपने आप को चेयर कर लेता हूँ थोड़ा सा, और गाड़ी लेना चाहता था बहुत टाइम से, सो जब सारी चीज़ें मेल हुआ सब चीज़ों का एंड लगा दैट फाइनेंशियली आई कैन अफोर्ड माय सेल्फ, किसी और से ना कह रहा हूँ, खुद अपने आप को ही गिफ्ट दिया, ये क्या मतलब, इसके पीछे क्या रास्ता? इसके पीछे बस एक खुशी का राज ये था कि आज के ज़माने में आपको खुद अपने आप को पैम्पर करना पड़ता है, आपकी खुद की जो खुशियाँ होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है, जी जान से मेहनत करता है। तो मुझे जैसे ये मौका मिला मैंने उसे पूरी तरह से कैपिटलाइज किया और मैंने गाड़ी खरीदी, आई एम वेरी हैप्पी। हाउ डू यू सी योर जर्नी इन द इंडस्ट्री सो फार? द जर्नी सो फार इज़ इंटरेस्टिंग, काफ़ी अप्स रहते हैं काफ़ी डाउन्स रहते हैं, बट बहुत मज़ा आता है क्योंकि इट शुड ऑलवेज बी इन अ वेवी फॉर्मैट एंड आई एम रियली एन्जॉइंग इट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ येट टू कम। आई एम हैप्पी दैट आई एम बैक टू बॉम्बे नाउ, फिल्म शूट्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड और मुझे रहता है भी जल्दी से मेरी फिल्म जा रही है फ्लोर में और एक और फिल्म आना अनाउंस है वो भी जा रही है। सो इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन योर अपकमिंग प्रोजेक्ट, बुंदी रायता मैंने आपको नाम बताया बिकॉज दैट्स ऑलरेडी अनाउंस विद द पोस्टर, द अदर फिल्म अनटाइटल्ड येट, आई वुड वांट द प्रोडक्शन हाउस टू रिवील ईच एंड एवरीथिंग फर्स्ट एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स विल बी रिलीज। बुंदी रायता अपने आप में टाइटल ही बड़ा कैची लगता है कि क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है, इफ यू कैन थ्रो सम मोर लाइट ऑन द कैरेक्टर इफ यू अलाउड टू स्पीक। एक्चुअली नॉट अलाउड टू स्पीक अबाउट माय फिल्म राइट नाउ, बट ये फिल्म बहुत दिल के करीब है मेरे और बहुत प्यारी सी स्टोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आज ऑडियंस जितनी सिनेमा देखती है उनको कंटेंट अच्छा चाहिए और ये बहुत अच्छा कंटेंट हम लेके आ रहे हैं, सब नए लोग हैं, स्टारकास्ट नई नहीं है, स्टारकास्ट सब नए हैं उसमें, बट ऑल दी अदर पीपल एसोसिएटेड आर न्यू और कुछ अच्छा करने की कोशिश में हम सब लोगों का प्यार मिलेगा, डेफिनेटली वी बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, चलो थैंक यू अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। अजय हमसे देने जब मौका लगता है देख लेता हूँ बिग बॉस, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ऐसा पैटर्न ही बहुत अच्छा है, आप देखिए घर में बैठ के कुछ ना कुछ ड्रामा चलता रहता है, बट मेरे मोस्ट फेवरेट तो सलमान सर, तो उनके एपिसोड में सबसे ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। सलमान सर फिर भी आप किसको भी देखना पसंद करते हैं? आई थिंक जैस्मिन इज रियली गुड, शी इज डूइंग वेरी वेल, और उसके अलावा इवन राहुल, आई थिंक राहुल आई नो हिम पर्सनली, तो जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली मैं थोड़ा उनके लिए डेफिनेटली इंक्लाइंड रहूँगा, सो दीज आर द टू पीपल आई वुड प्रॉब्ली बी लुकिंग फॉरवर्ड। जी एहसास और पवित्रा को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें आ रही, शादी का कुछ आए तो सर बताइए जी। शादी के बारे में तो नहीं पता भाई उनका क्या चल रहा है, ये वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, बट मैं एक ऑडियंस और मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फील करता हूँ वो ये है कि एंटरटेनमेंट चलते रहना चाहिए, पब्लिक इन्जॉय करनी चाहिए, घर बैठे हैं सारी दुनिया, वो एक घर में बैठे और यहाँ पर दुनिया भी घरों पर बैठी हुई है, दे शुड ऑल गेट व्हाट दे वांट फॉर टेलीविजन। थैंक यू सर।